जाफरान द मेगा मार्ट में पाए हर प्रोडक्ट पर 5-50% डिस्काउंट। पर्सनल एंड बेबी केयर, ग्लॉसरी, ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स, डेयरी एंड बेवरेज, होम एंड किचन, राशन का हर सामान मार्केट से कम दाम। द मेगा मार्ट जाफरान। आप जाफरान मेगा मार्ट के वेबसाइट या कॉल करके घर बैठे ऑर्डर दे सकते हैं। COD और UPI पेमेंट अवेलेबल। फ्री होम डिलीवरी। आप मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। पूरा परिवार शादी के जश्न में डूबा था और चोरों ने घर की तिजोरी ही साफ कर दी। मामला मुमरा के चांद नगर धूमचाल अल फलक इमारत का है। अल फलक इमारत के पहले मंजिल पर रहने वाले अब्दुल अजीज के भाई अब्दुल रहीम की शादी 19 मार्च को। पूरा परिवार बारात में बड़ी ही खुशियों के साथ कल शाम करीब 4 बजे के आसपास माहिम के लिए रवाना हुआ, मगर जब रात के समय करीब 1-2 बजे के आसपास बारात वापस लौटी तो घर का नज़ारा देखकर सब दंग रह गए। चोरों ने घर के दरवाजे की कड़ी काटकर 6 तोला सोने के गहने और 80,000 रुपये कैश लेकर रफू चक्कर हो गए थे। इस घटना के बाद पूरा परिवार असमंजस में पड़ गया। शादी का घर और गहने कैश चोरी हो गए। अब्दुल अजीज ने इसकी सूचना मुमरा पुलिस को दी और मुमरा पुलिस ने FIR दर्ज की है। वैसे तो मुमरा शहर में चोरी की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। अक्सर देखा जा रहा है कि शादी ब्याह जिस घर में है उस घरों को चोर लगातार अपना निशाना बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अब्दुल अजीज है। क्या क्या चोरी हुई आपके यहाँ और ये घटना कब हुई है? ये कल मेरे छोटे भाई अब्दुल रहीम की शादी थी, जिसकी वजह से हमारे घर में 3-4 दिन से फंक्शन चल रहा था। 17 को उसकी हल्दी थी, 18 को हल्दी थी और 19 को उसका निकाह था। तो इसके सिलसिले में हमारे घर में 3-4 दिन से मतलब शादी का माहौल था, जिसमें मेहमान लोग सब आ रहे थे, जा रहे थे, फंक्शन चल रहा था। 19 तारीख को हमारी यहाँ से बारात थी माहिम के लिए, क्योंकि शादी जो है माहिम में थी, रहेजा जेवियर इंस्टीट्यूट में। तो मैं जो है थाने में रहता हूँ और मेरे साथ में मेरी माँ और 3 छोटे भाई यहाँ रहते हैं। तो ये लोग बारात लेके यहाँ से निकले, मैं वहाँ से निकला। तो मैंने फ़ोन पे इनसे बात की कि सारे लोग निकल गए क्या? तो मम्मी ने बोले 4 बजे सारे लोग, हम लोग ने बस अरेंज की थी यहाँ से शादी में जाने के लिए। तो बस में जितने बाराती जा सकते थे उनको बस में भेज दिया, उसके बाद जो लोग नहीं जा सकते थे उनको टैक्सी से, ट्रेन से, ओला से भेज दिया। और तकरीबन 4 बजे सारे लोग यहाँ से चले गए और लास्ट में मेरी बहन लॉक करके बारात में साथ में बस में चली गई उनके। उसके बाद हम आप शादी में मशगूल हो गए थे। जब शादी से वापस हम लोग लौटे, कितने बजे लौटे थे? लौटे हम लोग 11 बजे। हम लोग ने वहाँ से बस का वापसी का इंतज़ाम किया तो तकरीबन यहाँ पे 12:30 बजे पहुँचे। पहले बारातियों की बस पहुँची जिसमें थोड़े रिश्तेदार, मेरी बहन, सब लोग थे। तो मेरी एक बहन है, मुंबोली बहन नसरीन, उसके पास घर की चाबी थी, उसी ने दरवाज़ा लॉक किया था, उसके पास ही चाबी थी और वही सबसे पहले आए। और उसके बाद साथ में मेरी कज़िन सिस्टर भी आई। तो जब उन लोग दरवाजे के पास पहुँचे तो उन लोगों ने देखा कि ताला ही टूटा हुआ है, मतलब कि उनको लगा कि ताला लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही उन्होंने लॉक में चाबी लगाई तो ताला ही उनके हाथ में आ गया। तो उनको एकदम वो हैरत में पड़ गए। फिर उसके बाद एक बहन अंदर घुसी तो उसने देखा कि सारा सामान यहाँ पे, जैसे कि आपने देखा, बिखरा पड़ा था पूरा। तो एकदम से डर गई, तो उसने कबट की तरफ देखा तो उसको एहसास हुआ कि घर में चोरी हुई। तो उसने सबसे पहले मुझे फ़ोन किया, हमारी कार इनके पीछे थी। क्या क्या चोरी हुआ तुम्हारे? हमारे घर से तकरीबन 6 तोले के करीब सोना चोरी हुआ, जिसमें 2 चूड़ियाँ थी, एक नेकलेस था और थोड़े से चांदी की अंगूठियाँ थी। फिर सुबह में पता चला कि एक मोबाइल भी गायब है, ये कल तक पता चला इतना, और 80,000 रुपये कैश भी गायब है ये पता चला। क्योंकि जैसे ही ये चोरी का एहसास हुआ तो अम्मी की जो है एकदम हालत ख़राब हो। पुलिस में कंप्लेन वगैरह कुछ किया आपने? जी हमने, जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे उसके बाद थोड़ा अम्मी को संभाला पहले, उसके बाद हम गए। हमारे आने तक मेरे एक रिश्तेदार ने पुलिस को कॉल करके बुला दिया। तो जब हम यहाँ पे आए तो पुलिस के ऑफिसर आके जो क्राइम सीन था उसका वेरिफिकेशन कर रहे थे, मुझे उनका नाम नहीं पता। लेकिन फिर उसके बाद हम यहाँ से 1:30 बजे यहाँ से गए पुलिस स्टेशन में और सुबह 5 बजे तक हम वहीं पे थे FIR दर्ज कराने के लिए।
एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर का कॉपी भी हमारे पास में है और उसमें पुलिस वालों से हम जितना पुलिस वालों ने हमसे डिटेल्स मांगा ये सारा डिटेल्स हमने उनको पास किया कि ये हमारे घर में ऐसे ऐसे फंक्शन था, इस तरह से हम लोग घर में नहीं थे और हो सकता है कि ये जो भी काम किया है किसी, ये एफआईआर की कॉपी है जो कल सुबह आज सुबह 5 बजे हमको मिली मुमरा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद। मुझे तो लगता है कि यहाँ पे से किसी ने इन्फॉर्मेशन यहाँ के लोगों को पास की है कि ये लोग घर में मौजूद नहीं रहेंगे इस टाइम से इस टाइम के बीच में, बारात वारात जाने वाली है, घर में कोई नहीं होगा और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं यहाँ के जो नशेड़ी लोग होते हैं जो नशा वशा करते हैं। मुझे तो डाउट उन पर ही जा रहा है कि उन्होंने यहीं पर कुछ आके 1-2 घंटे में काम किया हुआ है।